जी हाँ दोस्तों, हम फिर आ चुके हैं अपने दबंग सुपर स्टार खेसारी लाल यादव की तरफ से धमाकेदार अपडेट लेकर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनके नए गाने के बारे में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि खेसारी लाल यादव को ट्रेंडिंग स्टार यूं ही नहीं कहा जाता। जी हाँ दोस्तों, अपने विवादों के बीच खेसारी लाल यादव ने जबरदस्त कमबैक किया है और अपने फैंस की खुशी के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है, इसी पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खेसारी लाल यादव का नया गाना रिलीज हुआ है जिसके बोल हैं बिहार में होई, और ये गाना इस वक्त 2 नंबर पर आ चुका है YouTube के म्यूजिक सेक्शन में। इसके साथ ही YouTube के मेन पेज पर भी ये गाना 3 नंबर ट्रेंडिंग में बना हुआ है और गाने पर 25 लाख के करीब व्यूज हो चुके हैं। मगर आप सभी को बता दें कि खेसारी लाल यादव को इस गाने से उतना फायदा नहीं होने वाला है जितना उनको होने वाला था, और ये गाना उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस की खुशी के लिए रिलीज किया है, वो भी अपने खुद के चैनल यानी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड चैनल से। और जब आप इस गाने के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि ये गाना मैनेज किया जा रहा है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के द्वारा। तो आज अगर खेसारी लाल यादव एक हिट गाना देते हैं और बिहार में हुई गाने को ट्रेंड करवाते हैं तो ये भी सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के लिए। इसमें खेसारी लाल यादव का कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, मगर इसके बावजूद में भी खेसारी लाल यादव ने ये फैसला किया कि अपने फैंस के लिए वो गाना लेकर आएंगे, और गाना लेकर आए भी जो इस वक्त 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और जल्द ही 1 नंबर ट्रेंडिंग में भी आ जाएगा। तो ये है अपने हिट मशीन का स्टारडम। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।